फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मोनिका जी ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह सुबह का टाइम है तो मैं खाना बनाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग के यहाँ देखिए कितना बारिश पड़ रहा है। सुबह से अभी तक बारिश पड़ रहा है, सुबह 6 बजे से ही पड़ रहा है बारिश। और अभी भी देखिए पूरा पानी पानी हुआ है, बारिश पड़ रहा है। और बारिश की वजह से बहुत ही मुश्किल हो रहा है, चारों तरफ पानी पानी हो गया है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वहीं पर देखेंगे मैं क्या बनाती हूँ। थंबनेल से तो आपको पता ही चल गया है कि क्या बनने वाला है। तो फ्रेंड्स, अभी जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, वीडियो में बन रही है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ले ली हूँ परवल। तो मैं अभी जा रही हूँ इसकी सब्ज़ी बनाने, और अभी मैं दाल चावल और सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं पहले छील लेती हूँ परवल को हल्के हल्के चाकू से, उसके ऊपर वाला भाग हल्का हल्का छील लूँगी तो मुलायम लगेगा सब्ज़ी, इसका अच्छा लगता है। नहीं तो नहीं छीलने से थोड़ा टाइट लगता है, और ऐसे करने से बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं छील ली हूँ इन सबको, और मैं इसको अच्छे से धो लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं इसको धो लेती हूँ अच्छे से, और उसके बाद मैं इसको काट लूँगी। तो मैं यहाँ पर प्लेट में निकाल लेती हूँ इसको अच्छे से धोकर, पूरा इसका छिलका अच्छे से धुल जाएगा। तो मैं देखिए यहाँ पर इसको निकाल देती हूँ, और उसके बाद मैं इसको काट लेती हूँ यहाँ पर चाकू से। तो मैं ज़्यादा बड़ा बड़ा इसका टुकड़ा नहीं काटूँगी, मीडियम काटूंगी। तो यहाँ पर मैं पहले काट लेती हूँ जल्दी जल्दी इसको, और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा मसाला पाउडर ही डालूंगी, और अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैं काट लेती हूँ इसको, और उसके बाद यहाँ पर मैं ले लेती हूँ अदरक और लहसुन। तो चलिए मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ सिलवट पर पीस कर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सारा तैयारी कर लिया है। यहाँ पर देखिए परवल काट लिया है, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना लिया है, और प्याज काट दिया है, और यहाँ पर आलू बॉयल हुआ आलू है और उसको मैंने छील कर काट लिया है। और यहाँ पर कढ़ाई रख दिया है, गैस को ऑन कर दिया है। तो देखिए हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें सबसे पहले डाल लेती हूँ तेल, और उसके बाद देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है। तो मैं इसमें डाल लेती हूँ सबसे पहले परवल। तो परवल को मैं थोड़ा फ्राई करूँगी हल्का सा, उसके बाद इसका सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं डाल लेती हूँ परवल को, और उसके बाद इसको मैं चलाऊँगी अच्छे से, चलाते चलाते इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं चला लेती हूँ इसको, और उसके बाद हम ऐसे ही 5 या 7 मिनट तक धीरे धीरे हम इसको भूनते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए हल्का हल्का फ्राई हो चुका है, और थोड़ी देर इसको हम भूनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा अच्छा से फ्राई हो चुका है परवल। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ एक कटोरे में। तो यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया फ्राई हो चुका है, आपको देखने में भी लग रहा होगा। तो चलिए मैं इसको निकाल लेती हूँ जल्दी जल्दी, और उसके बाद यहाँ पर मैं उसी तेल में जो बचा हुआ है उसमें डाल लेती हूँ तड़का लगाने के लिए जीरा और तेज़पत्ता और लाल मिर्च। इसे मैं तड़का लगा दी हूँ इसमें। तो उसके बाद मैंने प्याज डाल दिया है, तड़का लाल हो चुका है। तो इसको भून लेती हूँ, हल्का लाल कर लेती हूँ भूनकर। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी आलू। तो देखिए हमारा प्याज भून चुका है, लाल हो चुका है। तो ये देखिए मैं डाल ली हूँ आलू को, और इसको चला लेती हूँ। इसको भी 5 मिनट तक हम ऐसे ही भूनेंगे बिना ढके हुए, उसके बाद इसको अच्छे से भून कर उसमें मसाला डालेंगे। तो यहाँ पर मैं देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट ली हूँ, और यहाँ पर मैंने जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर है, तो इन सभी मसालों को मैं डालूंगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा सब्ज़ी अच्छा से भून चुका है आलू। तो मैं डाल लेती हूँ इसमें पहले सबसे अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसके बाद यहाँ पर मैं डाल लेती हूँ इन सारे मसालों को जो मैंने डाल रखा था, और उसके बाद यहाँ पर मैं डाल लेती हूँ स्वाद अनुसार नमक। और उसके बाद हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसको भूनेंगे हम 5 से 7 मिनट तक अच्छे से, सौंधा सौंधा हो जाएगा। उसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं भून लेती हूँ इसको अच्छे से, चला देती हूँ, और उसके बाद इसमें परवल को भी डाल देती हूँ। और देखिए हमारा मैंने मिक्स कर दिया है इस सबको, और देखिए यहाँ पर अच्छा से हमारा भून चुका है सब्जी। तो इसमें मैं अब डाल लेती हूँ पानी,
देखिए आप देख सकते हैं भुन चुका है अच्छे से। तो इसमें मैं पानी डाल लेती हूँ, आप अपने अंदाज से पानी डाल सकते हैं जितना आपको उसमें रस चाहिए। तो मैं इसको ज़्यादा पानी वाला नहीं बनाऊँगी, सूखा ही बनाऊँगी क्योंकि दाल चावल के साथ खाना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा गर्म मसाला, इससे बहुत ही टेस्ट बढ़िया आता है, अच्छा लगता है, सब्ज़ी टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर इसको डालकर मैं अच्छे से मिला देती हूँ और उसके बाद मैं इसको ढक देती हूँ 10 मिनट के लिए, अच्छा से पक जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमारा सब्ज़ी कितना बढ़िया पक गया है, हो गया है, और थोड़ा सा इसका पानी सूख जाएगा, उसके बाद मैं गैस को बंद कर दूँगी। तो ये देखिए कितना बढ़िया बन चुका है। तो इसको मैं ढक देती हूँ और 2-4 मिनट के लिए, थोड़ा सा और पानी सूख जाएगा, उसके बाद मैं इसको बंद कर दूँगी गैस को। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा सब्ज़ी बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है, कितना बढ़िया आप देख सकते हैं। आप इसको चावल या रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बना है सब्ज़ी। तो हम तो बनाए हैं दाल चावल और सब्ज़ी, तो हम लोग दाल चावल के साथ खाएँगे। तो यहाँ पर देखिए मैं निकाल लेते हैं एक प्लेट में खाना निकाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।